नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्कल मौलाना यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए कॉर्नी वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं, जो कि निकाली गई है मध्य प्रदेश राज्य की ओर से। इसमें मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए काफी सारे पदों पर भर्तियों का ऐलान किया गया है। इसके लिए भी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपना 5वीं, 8वीं या फिर 10वीं पास कर लिया। तो आइए जानते हैं इस पूरी वैकेंसी के बारे में, क्या क्या इस वैकेंसी के लिए योग्यता मांगी गई है, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसके लिए उम्र रखी गई है, इन सभी बातों में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग चैनल पर नए आए हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश होगी कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का निशान जरूर प्रेस कर दें, ताकि मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत सभी राज्य के लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। साथ ही आप लोगों से गुजारिश और होगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये मध्य प्रदेश राज्य की ओर से निकाली गई है, इसलिए आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही रहेगी। बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है आपकी, जॉब लोकेशन भी आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत होगी, और आपकी जॉब टाइप कैसी है, फुल टाइम आपकी जॉब है। वहाँ पे अगर हम बात करेंगे हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के तौर पर उन लोगों की ओर से ही भर्ती कराई जा रही है, जिसमें 3 पोस्ट निकाली गई है, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर। ये 3 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो योग्यता रखी गई है वो 5वीं, 8वीं या 12वीं, इसके समकक्ष अगर कोई अन्य डिग्री भी है तो आपकी यहाँ पे मान्य की जाएगी। सभी जानकारी के लिए आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी लिंक हम आपको अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं सिलेक्शन किस आधार पर आप लोगों का होगा, तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को सिर्फ आप लोगों की मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बात करेंगे पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2046 निकाली गई हैं, और जो ये डिटेल में जो आपकी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। आगे बात कर लेते हैं कि आप 5वीं, 8वीं और 12वीं पास के लिए जो आप लोग आवेदन करेंगे उसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो किस तारीख को किया गया है, तो वो 28 अगस्त 2018 को किया गया है, जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 5 सितंबर 2018 और 5 सितंबर 2018 को जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो बंद हो जाएंगे। इसके लिए आप पूरी तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आइए बात कर लेते हैं कि जो ब्लू लिंक है वो आपको देगी नोटिफिकेशन और जो रेड लिंक है वो आपको देगी एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी जो रेफरल लिंक है वो, यानी कि आप जैसे ही ब्लू लिंक पे क्लिक कर देंगे आपको इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, और रेड लिंक से आपको डायरेक्ट लिंक पर रिडायर हो जाएंगे जहां से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, ताकि हमारे साथ साथ आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्तों को भी सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो सकें।